डायमंड जल्दी बनेगा। तो अपने टीम में किसी भी सिचुएशन में आपको अपने आईडी पर टारगेट को चूकना नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े कर लो। मैंने तो पहले ही बता दिया इस बिजनेस को 5 साल तीसरा बच्चा मान के करना है, और तीसरे बच्चे को अगर मान के किया तो ये आपके साथ पीढ़ियों तक की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप एक बार कर सकते हैं, कर सकते हैं बिजनेस बहुत आसान है, सीख के किया जाएगा तो, और नहीं सीख के किया जाएगा तो फिर जो बाकी लोग बोलते हैं अरे कहीं नहीं होता, चलता नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो लोग अनट्रेंड आदमी तो कुछ भी बोल सकता है। बिजनेस ऐसा मौका देता है। बिजनेस आपने अवधेश यादव जी को यहाँ पर देखा, आज वो नहीं है तो भी उनके परिवार में उनकी पत्नी को उनके बच्चों को कोई प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। श्याम सुंदर जी नहीं है, उनके बच्चों से एक इंटरव्यू में पूछा कि आप सेफ शॉप के बारे में क्या जानते हो, तो आप जानना चाहोगे उनके बच्चे ने क्या बोला? जानना चाहते हैं? उनके बड़े बच्चे ने बोला कि अंकल सेफ शॉप के बारे में इतना ही जानते हैं कि सेफ शॉप 5% TDS काटने के बाद 1,90,000 रुपए हमारे मम्मी के खाते में हर सप्ताह ट्रांसफर कर देती है, बस इतना ही जानते, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। उनसे पूछा कि आपके पापा की टीम कितनी है मालूम है? तो उन्होंने बताया कि हमने सुना था कि हमारे पापा की टीम 17,000 की थी, जबकि उनके पापा की टीम कितनी हो चुकी? 4.5 लाख की हो चुकी। अवधेश जी के बच्चों को प्लान दिखाना सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी पत्नी को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग बोलते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी होने से सर सुरक्षा रहती है। मैं एक छोटा सा प्रश्न कर लेता हूं, सरकारी नौकरी होना तो सम्मान की बात है, हम भी रहे, ज्यादातर लोग रहे, लेकिन अगर सिर्फ सरकारी नौकरी में ही होते, सेफ शॉप में नहीं होते अवधेश जी, तो उनके बाप उनकी पत्नी को नौकरी मिल जाती, यही तो होता, यही होता है ना? लेकिन उनकी पत्नी को नौकरी में जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जहां मिलती वहां जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के तब जाके मिलना। ये बिजनेस कहीं न तो इसके बारे में सीखने की आवश्यकता है, न सोचने की आवश्यकता है, और बहुत जल्दी उनके घर पर 2 लाख रुपए प्रति सप्ताह में घर पर 1 करोड़ रुपए साल के हिसाब से उनके घर पर ट्रांसफर हो रहा है। आज भी अब क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे अगर सुबह जल्दी जाके काम कर लिया और 2 घंटे देर रात तक काम कर लिया और थोड़े दिन टीवी को साइड कर दिया तो और तो जिंदगी में कभी भी पासवर्ड लगाना नहीं पड़ेगा। अगर इसको आज नहीं किया तो हो सकता है 5 साल बाद मन में ख्याल आया यार काश करके देख लेते बढ़िया रहता, काश करके देख लेते, लेकिन अगर आज कर डाला तो जिंदगी सफल होते हैं कि नहीं होते वो बाप की बात है। मैंने अपना काम पर अपना प्रयास किया कि नहीं किया ये पहले की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? Yes. और मैं ऐसा कह सकता हूं इस हॉल में जितने भी टाइगर बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है और बहुत ही सीरियस है, तभी आप यहां पर बैठे हैं। अगर हल्के फुल्के से आते ट्रायल मारने के लिए आते तो निकल चुके होते, बहुत समय हो चुका है, लेट हो चुके हैं। मैं कह सकता हूं कि आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं अगले 2 से 3 साल में यहां पर बैठे हुआ हर कुर्सी का सदस्य उसे घर में डायमंड का ताज जरूर पहुंचेगा।